नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सिंध नदी पुल पर बने शिव पार्वती जी के श्री मन कामेश्वर मंदिर पर बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से मंदिर में स्थापित मूर्तियों की तोड़फोड़ कर मूर्तियों को खंडित कर दिया है। बीती रात घटित हुई इस घटना से स्थानीय नागरिकों, हिंदू संगठन के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की सूचना मिलने पर डबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पर बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि अभी किसी संदिग्ध व्यक्ति आरोपी को तो गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन स्थानीय लोगों की निशानदेही पर एक झोपड़ी जिस पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगता था उसको टारगेट कर पुलिस नाके की छानबीन शुरू कर दी है और झोपड़ी के आसपास खड़े गांजे के पेड़ों को भी पुलिस ने नाच कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी डबरा सुरेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है कि इस कृत्य को करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अपना समूचा मुखबिरी तंत्र सक्रिय कर दिया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। स्थानीय लोगों से हमें जैसी सूचना मिली तो सिंधु परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए तो लोगों का आक्रोश था, यहाँ पर गाड़ी वगैरह का रोक लिया था, जाम लगा दिया था ग्रामीण वासियों को। तो पता चला कि यहाँ के जो गुमटी रखी हुई है यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आकर बैठते हैं, यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग भी खाना वाना यहाँ बनाते हैं, यहाँ पार्टी वार्टी बना के चले जाते हैं। अब इसमें मुझे लगता है हिंदू धर्म से तो संबंधित नहीं है, कहीं ना कहीं कोई विधर्मी लोग या अन्य समाज के लोगों का ही कार्य हो सकता है। पुजारी से कोई विवाद रहा हो किसी का या कुछ ऐसा? नहीं, विवाद होता तो पर्सनल ऐसा कोई भी हिंदू नहीं होगा, जो कि अपने सभी को पता है अपने देवी देवताओं की मूर्ति तो कोई नहीं तोड़ता। हिंदू परिषद के लोग क्या करेंगे आगे? अगर कार्रवाई का आश्वासन दिया DI साहब ने और बाकी अपने इसकी दोबारा से विसर्जित पुरानी जो खंडित मूर्तियों का विसर्जन करके नई स्थापना की आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, नहीं होता है तो फिर हिंदू परिषद आगे कोई ना कोई योजना बनाकर आंदोलन करेगा। अज्ञात बदमाश हो सकते हैं और जो हिंदू भावना की को ठेस को दृष्टि के रखते हुए वहीं बहुत प्राचीन मंदिर था शिव भगवान का, उनका पूरा परिवार यहाँ विराजमान था, उन पूरी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुजारी जी की रिपोर्ट पर से हमने थाने का प्रकरण पंजीबद्ध किया है अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध में। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर उनको जेल में दाखिल करेंगे और भगवान की जो प्रतिष्ठा जो खंडित हुई है मेरा पूर्ण रूप से मेरा स्वयं की तरफ से सहयोग रहेगा कि पुनः मैं भगवान की प्रतिष्ठा कराऊंगा। सर, ये प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ऐसा धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश कहेंगे या ये कोई नशेड़ी तत्वों की साजिश है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहाँ तक जो नशेड़ी रहते हैं जो गांजा और इसमें का जो सेवन करते हैं उनके द्वारा ये हरकत की गई होगी और निश्चित ही मैं एक दो दिन के अंदर ही पकड़ कर सबके सामने पेश करूँगा। हाईवे पे जो गांजे की कुछ पेड़ पकड़े गए हैं, क्या मामला? गांजे के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी तत्काल थाने पर आया, अभी यहाँ मंदिर पर आया हूँ। तो कार्रवाई कौन कर रहा है? अगर गांजे पकड़े हुए तत्काल जिसके पास में जिसके कब्जे में गांजे खड़े हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाने वाला कोई मिल नहीं है, पब्लिक के लोग हैं, धार्मिक श्रद्धा रखते हैं, उनके उनका यह कहना है कि मंदिर के किनारे मेरी नॉलेज में नहीं है, मंदिर के किनारे मंदिर के पास में जो गुमटी वगैरह बनी है इनके यहाँ समाज तत्व के लोग रात में नशेड़ जी यहाँ बैठते हैं, उन्हीं के द्वारा यह घटना कारित की गई होगी। क्या उन्हीं के साजिश संभावना ऐसा लग प्रतीत होता है?